ये ऊपर डिस्टेंसेज लिखे हुए हैं जी, श्रीनगर 123 किलोमीटर, पट्टन जो है इंडियन एल कश्मीर में 78, बारामूला 68, उड़ी 23 और LOC 03 किलोमीटर फ्रॉम हियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम डुमैल मुजफ्फराबाद। इस वक्त हम खड़े हैं डुमैल वाले ब्रिज पे, जिसको बोलते हैं कायदे आजम ब्रिज। ये कायदे आजम ब्रिज है और यहाँ से हम निकल रहे हैं चकोटी सेक्टर वाली साइड पे, डिस्ट्रिक्ट नंबर 8 दिखाने आपको, विच इज जेलम वैली कॉल्ड हटिया बाला डिस्ट्रिक्ट। ये सामने जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये पहाड़, इसके ऊपर पीसी मुजफ्फराबाद है। ये जो येलो कलर का ब्रिज है, ये रिवर जो है जेलम आ रहा है, इसके साथ साथ चलेंगे और राइट साइड के ऊपर जो हमारा रिवर है दैट इज कॉल्ड रिवर नीलम। तो नीलम और जेलम जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसको पॉइंट को बोलते हैं संगम पॉइंट या डुमैल पॉइंट, जहाँ पे दो दरियाओं का मेल हो रहा है, तो उसको डुमैल बोलते हैं। ये कायदे आजम ब्रिज है, यहाँ से जो चकोटी ये रोड, इसको बोलते हैं श्रीनगर रोड। तो ये श्रीनगर रोड जो है ये है तकरीबन कोई 53 किलोमीटर के ऊपर जाके चकोटी सेक्टर आता है, लाइन ऑफ कंट्रोल आती है और लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद फिर हम वापस आएंगे वो देख के। तो ऊपर हम निकलेंगे नैली से फॉर लीपा वैली। ये देखे कायदे आजम ब्रिज ऊपर लिखा हुआ है राइट, तो कायदे आजम ब्रिज से ये वाला आगे ये घड़ियाल चौक आप देख ले, राइट पे अगर जाएंगे तो इस्लामाबाद जाएंगे और ये लेफ्ट पे हम जा रहे हैं 53 किलोमीटर पे लाइन ऑफ कंट्रोल देखने। लाइन ऑफ कंट्रोल से होकर फिर जो है 55 है यहाँ से चकोटी सेक्टर, और लाइन ऑफ कंट्रोल से होकर फिर हम वापस आएंगे नैली और नैली से हम चढ़ेंगे लीपा वैली के लिए। लीपा वैली का रास्ता है यहाँ से तकरीबन 90 या 93 किलोमीटर, जिसके लिए आपको चाहिए ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स। अगर आप रुक रुक के जाएंगे तो आपको 6 आवर्स भी लग सकते हैं। गाड़ी जो आज हम यूज कर रहे हैं दैट इज हुंडा सिटी BRV। इसकी जो एवरेज अभी तक इस्लामाबाद से चल के यहाँ तक आई है वो है 13.5, तो 13.5 की एवरेज से आई है। वी आर 3 पर्सन, माइसेल्फ, शाजी और फौजी। तो अभी इसकी एवरेज क्या होगी हम वो भी कैलकुलेट करेंगे, टाइम कितना लगेगा वो भी बताएंगे आपको। 11:16 हुए हैं इस वक्त दोपहर के, जिस वक्त हम निकल रहे हैं, तो 11:16 पे निकल के चकोटी हम कब पहुंचते हैं और ऊपर हम कितनी देर में पहुंचेंगे वो सारा आपको दिखाएंगे। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट नंबर 8 है जेलम वैली, तो लेट्स गो। अच्छा, मजे की बात आपको बताएं, आज है 28 मतलब 28th of June और कल 29 को है ईद, ईद उल अजहा। तो सारे रास्ते में जो है वो लोग खड़े हुए हैं कुर्बानियां लेके, मतलब बकरे बेचने वाले, बैल बेचने वाले, गाय बेचने वाले, तो सारे रास्ते वो खड़े हुए हैं और हम भी साथ साथ थोड़ा सा रेट भी ले रहे हैं। आपको भी लगेगा आज ईद के मतलब ईद वाले दिन जो है ये साहिबान गा निकल पड़े हैं। बहरहाल ईद हम इंशाल्लाह कल जो है वो मुजफ्फराबाद में ही पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे हम निकल जाएंगे टूवर्ड्स नीलम वैली। सो आज ईद से एक दिन पहले जो है वो हम लीपा जा रहे हैं। वो पॉइंट जहां से जो नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसकी टनल इस रिवर के नीचे से गुजरती है। ये टनल पीछे से शुरू होती है पटीका नसीराबाद के पास से, वहां से शुरू होकर 52 किलोमीटर की टनल है जो जाके 76 क्लास पे खत्म होती है। 76 क्लास में फिर जो है जाके पावर हाउस लगा हुआ है। तो ये जो जगह है यहां से वो टनल दरियाए जेहलम के 200 मीटर नीचे से गुजर, सॉरी 200 फुट जो है इस दरिया के नीचे से क्रॉस करती है और आगे की तरफ जाती है। तो यहाँ से उन्होंने जो उसका मतलब जो काम चल रहा था टनल का
वो यहाँ से भी वो लोग कर रहे थे, इसलिए एक कंपनी जो है वो यहाँ पे लगी हुई थी, एक पीछे लगी थी, एक आगे लगी हुई थी। तो ये वाला उनका कंपनी का जो है स्टेशन है, जहाँ से वो सारा निकाल निकाल के जो है वो मलबा वगैरह रखते थे। ये जो सामने आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर, ये यहाँ का सेटेलाइट टाउन है। ये सेटेलाइट टाउन बना था, ये सड़कें सुड़कें सारी बनी हुई थी, लेकिन कोई आबादी है सच नहीं हो सकी, क्योंकि सारे लोगों के गाँव है अपने अपने, तो यहाँ पे कोई नहीं आया। ये खान बंद वे इसका नाम है, खान बंद वे, ठीक है जी। एंड वी आर ऑन द वे टू चकोठी। ये सामने डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं जी, श्रीनगर 60 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, 60 किलोमीटर का मतलब है 2 घंटे यहाँ से, चकोठी 37 किलोमीटर, चनारी 29, हटिया बाला जो इस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट जेलम का, दैट इज 17 किलोमीटर, और गढ़ी दुपट्टा 3 किलोमीटर। गढ़ी दुपट्टा से फिर एक ऊपर रास्ता जो है वो बा को भी निकलता है। सो दीज वर द डिस्टेंसेज। यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो चकोठी से आगे जो है वो आगे जाके डिस्ट्रिक्ट आता है बारामूला। बारामूला आपने सुना होगा, उड़ी बारामूला। तो बारामूला आएगा तकरीबन चकोठी से आगे को 1 घंटे के रास्ते में, और बारामूला से आगे फिर फर्दर जो है वो आएगा श्रीनगर, तकरीबन को 1.5 घंटा आगे लग जाएगा फर्दर आपको। इधर से अगर आप जाते हैं तितवाल सेक्टर से, जिससे इंशाल्लाह हम कल जाएंगे नीलम वाली साइड से, तो तितवाल सेक्टर से पहले आता है कुपवाड़ा जिला, और कुपवाड़ा से फिर ये जो रास्ता है ये वाला चकोठी वाला और वो कुपवाड़े वाला, वो जाके सोपुर में मिलता है, और सोपुर से फिर वही सड़क जो है वो श्रीनगर को जाती है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी अबाउट द रोड्स, आई थॉट मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, इस वक्त हम पहुंचे हैं गढ़ी दुपट्टा। गढ़ी दुपट्टा जो है ये तकरीबन को 15 किलोमीटर है मुजफ्फराबाद से, डुमैल वाले ब्रिज से। वहां से हम चले थे 11:15 और इस वक्त में 11:45। तो हम आधे घंटे में वो जो 15 किलोमीटर का रास्ता था ऑन एवरेज, जो एक एवरेज होती है कि पहाड़ी इलाकों में आपकी जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट आधी रह जाती है और जो ट्रैवल टाइम है वो दुगना हो जाता है, तो हमने 15 किलोमीटर का जो रास्ता है इस अच्छी वाली रोड पे वो आधे घंटे में तय किया है, और इस वक्त पहुंचे हैं गढ़ी दुपट्टा। गढ़ी दुपट्टा से एक सड़क जो है वो ऊपर को निकलती है टुवर्ड्स बाग, पहले जाएगी चिकार, चिकार से फिर जाएगी सुदन गली, सुदन गली से फिर नीचे उतरेगी टुवर्ड्स बाग। यहाँ से जो बाग का रास्ता है वो तकरीबन रफली ऑन एवरेज कोई 2.5 घंटे का रास्ता है। डिस्टेंस तो थोड़ा ही ऑलमोस्ट 53 किलोमीटर होगा, बट नॉट इवन 50 किलोमीटर होगा, 50 से भी कम हो सकता है, अप्रोक्सीमेट 50 कह रहा हूँ। लेकिन जो क्योंकि zigzag रोड है तो आपको टाइम ज्यादा लगता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो गंगा चोटी आपको दिखाई, और गंगा चोटी के बाद पिछली जो एपिसोड आपने मेरी देखी है एपिसोड 21, उसमें मैंने आपको जिलजाल लेक दिखाई है, जिलजिला झील जिसको, अगर आपने नहीं देखी तो गो चेक इट आउट। उसके बाद फिर हम नीचे उतरे थे, और नीचे उतरने के बाद फिर रात हम रुके मुजफ्फराबाद में, और मुजफ्फराबाद से अभी हम दोबारा जा रहे हैं आपको हटिया बाला दिखाने के लिए, और हटिया बाला के बाद जो है फिर हम लीपा को निकलेंगे। सो ये गढ़ी दुपट्टा का बाजार है। कल ईद है तो ईद की वजह से आज सुबह सुबह 12 बजने वाले 11:45 इस टाइम पे भी इतना रश है। मार्केट जो है बड़ी मार्केट है, हर किस्म की चीज आपको मिलती है, और जूतियां जो है वो तो यहाँ पे वाफर मिकदार में मिलती है, मतलब हर जगह पे जूता कपड़ा आपको पता ईद की पहचान है तो जूता कपड़ा हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वैसे भी जूतों की दुकानें जो है वो कुछ जरूरत से ज्यादा है। यहाँ से आगाज हो रहा है जी आगाज हदूद जिला जेलम वैली, जिसको जिला हटिया बाला कहते हैं। ये ऊपर आ रहा है, ये देखें आगाज हदूद खुश आमदीद जिला हटिया बाला। तो यहाँ पे गढ़ी दुपट्टा खत्म हुआ, और गढ़ी दुपट्टा खत्म होने के बाद जो है जिला मुजफ्फराबाद भी खत्म हो गया, और यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं इंटू आर डिस्ट्रिक्ट नंबर 8 विच इज कॉल्ड जिला जेहलम वैली अलियास हटिया बाला डिस्ट्रिक्ट। Thank you.
ये है जी जिला जेलम वैली की पहली चेक पोस्ट, और यहाँ से जो जेलम वैली है डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर फ्रॉम हियर राइट। तो 10 किलोमीटर का रास्ता जो है वो यहाँ से वो बोर्ड लगा हुआ था 10 किलोमीटर, यहाँ से ये जो चेक पोस्ट है पहली यहाँ से 11 किलोमीटर। ये डीजल वाली गाड़ी आ गई तो डीजल फेंक रही है, हम जरा इससे बच लें प्लीज आपकी मेहरबानी, थैंक यू जी। तो यहाँ से 10 किलोमीटर के बाद हटिया बाला द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली वो आएगा। ये आ गया है सरां, सरां से एक रास्ता चढ़ता है ऊपर, एक बाईपास आप कह लें बाईपास टाइप एक रास्ता है, छोटा रास्ता है, गांव का रास्ता है जो ऊपर को चढ़ता है सिलसाल लेक, मतलब चिकार जाएगा, चिकार से फिर ऊपर सिलसाल लेक। अगर आप आगे से अटिया बाला से पहले जो जगह है वहां से अगर आप ऊपर चिकार वाले रास्ते पर नहीं चढ़ना चाह रहे तो यहां से एक छोटा शॉर्ट रास्ता है, ये जो राइट साइड पे आपको एक छोटी सी सुजुकी निकलती नजर आ रही है, ये रास्ता जो है ये सरां से ऊपर सीधा जाएगा चिकार को। चिकार का एक किस्म का आप कह ले शॉर्टकट है, बाईपास है, आपकी कार इस पे जा सकती है। लास्ट टाइम जब हम गए हैं तो हमने इस रास्ते को एक्सप्लोर किया है ऊपर से दिलजाल लेक से नीचे आते जाते। तो आप अगर मुजफ्फराबाद से दिलजाल लेक जाना चाह रहे हैं तो आप यहां से भी जा सकते हैं, गूगल मैप भी आपको ये रास्ता दिखाएगा। और इसकी ये निशानी है कि सरां जब आप आएंगे तो सरां से आप किसी से पूछ लें कि यार चिकार को जो ऊपर रास्ता चढ़ता है वो कौन सा, वो आपको बता देगा। ये कॉर्नर के ऊपर है राजा साइम गुलजार, राजा साइम गुलजार साहब जो है उनका जनरल स्टोर है। तो ये आपको निशानी है, आप यहाँ से बजाय इसके कि आप आगे से जाएं आप सरां से ऊपर सीधा चिकार जाएं, चिकार से जिलजाल लेक, वहां से सुदन गली, सुदन गली से फिर नीचे बाघ। तो ये भी शॉर्टकट एक रूट है। अगर आप बाघ से आ रहे हैं तो आप गंगा चोटी देखें, गंगा चोटी देखने के बाद आप सुदन गली नीचे उतरे, नीचे उतर के फिर चिकार आए, चिकार से पहले जिलजाल देखे और इस रास्ते से उतर के आपने मुजफ्फराबाद अगर जाना है तो आप इधर से मुजफ्फराबाद भी निकल सकते हैं। ये फिर एक बाघ का चिकार का आगे से रास्ता आ रहा है, चकोटी सीधा है, बाघ यहाँ से 40 किलोमीटर, सुदन गली 22 और चिकार जो है वो 15 किलोमीटर। ये रास्ता जब हम जिलजाल से नीचे उतरे हैं तो ये वो वाला रास्ता है आगे से वहां से ऊपर को चढ़ रहा है। इस रास्ते से हम एग्जैक्ट नीचे आए थे जब हम बकरा लेके आए थे, नीचे वाली वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट कि हमने यहाँ से जो बकरा खरीदा था कोई 2 दिन पहले। तो बकरे की कॉर वॉश की वीडियो इंशाल्लाह आज आ रही है। चकोटी 25, बाघ 40 और चिकार 15 किलोमीटर ये रास्ता ऊपर को चढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप सीधा जो है वो बाघ को भी निकल सकते हैं राइट। और ये हम सीधा निकले हैं 25 किलोमीटर आगे चकोटी की तरफ। यहाँ से शुरू हो गया है जी हटिया बाला द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ जेहलम वैली राइट। ये देखें ये लिखा हुआ हटिया बाला ऑन द लेफ्ट, ये पढ़ लें हटिया बाला शुरू हो गया। और अब आपको हम शहर दिखाएंगे और शहर से आगे हम निकलेंगे टूवर्ड्स नैली। ये देखें अदालत बाजार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जेहलम वैली, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिस, ठीक है। तो ये सरकारी ऑफिस आ गए इधर, और ये आ गया इसका बाजार। बाजार वैसे मेन बाजार थोड़ा सा आगे है, थाना सिटी, सिटी पुलिस स्टेशन ऑन द लेफ्ट। और ये इसकी तकरीबन आप समझे कि बाजार की जो इनिशियल स्टार्ट है ये वो है। 2009 तक जो है हटिया बाला जो है ये तहसील हुआ करती थी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद की, और अब ये खुद से जिला बनाया गया है 2009 से ऑनवर्ड। और इसकी अपनी 3 तहसीलें, एक चिकार वो जो पीछे आपको रास्ता दिखाया है, दूसरा हटिया बाला इटसेल्फ, और तीसरा जो है वो लीपा जिधर हमने जाना है। तो ये रास्ता के सीधा चकोटी को जाता है, चिकार को पीछे से चला जाता है और लीपा को आगे से जाके नैली से ऊपर को लीपा को रास्ता चढ़ता है। तो ये है इसका बाजार, और ये यहाँ पे कोई इफ्तिता अभी हो रहा है इधर, ईट एंड ड्रिंक रिफ्रेशमेंट रेस्टोरेंट, शानदार इफ्तिता ईद से पहले। Thank you.
ये आ गया है जी लीपा वाला कट, ये लिखा हुआ चकोठी सीधा 16 किलोमीटर, लमनिया 15 किलोमीटर, रेशिया 25 किलोमीटर, दाऊखंड 30 और लीपा 55 किलोमीटर का हमारा रास्ता है। ऑन द लेफ्ट हमने जाना है, आगे सामने जो बारिश हो रही है चकोठी वाली साइड पे 15 किलोमीटर का मतलब है कि हमें आधा घंटा जाने में लगेगा और आधा घंटा आने में लगेगा। और इस वक्त टाइम हुआ है 12:30, तो 12:30 से हम जाते हैं चकोठी देखते हैं और चकोठी से फिर वापस आते हैं या ऊपर जाए। मियां जी दसो जी फाइनल करेंगे, दोनों तरफ चलते हैं। आप पहले जा रहे हैं चकोठी और चकोठी से वापस आके हम लीपा यहाँ से इंशाल्लाह निकलेंगे। मियां जी क्या बात है आपकी, मैं डिसीजन मेकिंग जो पा रहे हैं ना उसको मान लिया। नहीं जी हम वापसी आके यहाँ से हम लीपा वाली रोड को नहीं जा रहे हैं, हम सीधा जा रहे हैं 16 किलोमीटर के जो चकोठी से वो 2 किलोमीटर पहले रोक लेते हैं, जाने नहीं देते, लेकिन चलो मियां जी की ख्वाहिश है तो हम LOC आपको दिखा के फिर वापस आते हैं इंशाल्लाह। इसको बोलते हैं जनाब चिनारी आबशार। इस वक्त हम पहुंचे चिनारी में, ये ऊपर से पानी छोटा सा आ रहा है, इसका नाम है जी चिनारी आबशार। अगर आप उस पर भी लिखेंगे गूगल मैप्स पे भी तो तब भी इसकी लोकेशन आएगी। ये लोग जब टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे काफी रुकते भी हैं। और यहाँ से जो चकोठी है वो कोई तकरीबन 9 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर पहले जो है वो नाका है, तो वहां से आगे वो नहीं जाने देते। चिनारी को हमने क्रॉस किया है, चिनारी मतलब पहुंच गए हैं रादर, और यहाँ से तकरीबन अगले 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह चकोठी सेक्टर। बारिश जो है वो शुरू हुई थी, अभी रुक गई है। मियां साहब आपके पास टेम्परेचर क्या आ रहा है आपके? इसमें तो किसी में टेम्परेचर नहीं आता, तो 13.4 किलोमीटर की हमारी एवरेज आ रही है। 12:33 हो गए हैं, मतलब हम कोई 1.5 घंटे में जो है वो यहाँ पे पहुंचे। 2 घंटे हमारे अगर आप टोटल लगाएं तो हमारे चकोठी तक लग जाएंगे, 33 हुए ना, तो 45 मिनट तक हम पहुंचेंगे। पौने 11 हम निकले थे और 1:15 तक जो है इंशाल्लाह वो हम पहुंच जाएंगे। तो हियर वी गो टू चकोठी। वेलकम टू द लास्ट टाउन ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर चकोठी। ये चकोठी है, किलोमीटर है 54। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जो है वो टाउन समझे आप शुरू हो गया चकोठी का। ये चकोठी का बोर्ड लगा वो लगा हुआ है और 55 पे जो जाके चकोठी पर खत्म हो जाएगा। उसके फर्दर 3 किलोमीटर के ऊपर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो जो आगे आपको व्हाइट क्लाउड नजर आ रहा है ऊपर आसमान में नीचे वाला, दैट इज इन इंडियन हेल्ड कश्मीर। सो ये है जनाब चकोठी, द लास्ट बॉर्डर टाउन ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल छोटा सा आगे बाजार आएगा, उस बाजार से फिर वहां पे ऊपर पूरे डिस्टेंसेज एक पूरा ऐसे बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, उसके ऊपर डिस्टेंसेज फिर अगेन लिखे हुए हैं। श्रीनगर को यहाँ से होगा ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर के करीब, और बारामूला जो है वो तकरीबन कोई 50 किलोमीटर के करीब होगा, बस इस तरह का ऑलमोस्ट डिस्टेंस होगा। आगे पहुंचते हैं तो आपको दिखाते हैं। चकोठी 0 LOC 3 किलोमीटर ये लिखा हुआ, ये देखे चकोठी 0 हो गया जी, ठीक है, एंड लाइन ऑफ कंट्रोल जी 3 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ये ऊपर डिस्टेंसेज लिखे हुए हैं जी, श्रीनगर 123 किलोमीटर, पट्टन जो है इंडियन हेल्ड कश्मीर में 78, बारामूला 68, उड़ी 23 और LOC 03 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। तो अभी हम LOC की तरफ जाते हैं, 1 किलोमीटर मजीद आगे जाएंगे तो फिर आगे चेक पोस्ट आ जाएगी, वहां से फिर आगे आप नहीं जा सकते। ये है जी लास्ट पॉइंट, यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। जो लोकल्स हैं वो जाते हैं अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, और शनाख्ती कार्ड दिखा के जो है वो हमने दिखाया आपको लाइन ऑफ कंट्रोल, और अभी हम वापस निकल रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से चकोठी सेक्टर से फॉर घोड़ा। अभी हम निकल रहे हैं वापसी इसके लिए
क्या नाम है, लीपा वैली के लिए। ये ऊपर डिस्टेंसेज लिखे हुए हैं, पिशावर 330 किलोमीटर, इस्लामाबाद 178 किलोमीटर, मुजफ्फराबाद 55, गड़ी दुपट्टा 32, हटियावाला 17। हमने तकरीबन कोई 15 किलोमीटर जाना है, 13 किलोमीटर वहां से आएगा नैली और नैली से हम राइट हो जाएंगे टूवर्ड्स लीपा, रेशिया और लमनिया और दाउखण, और उधर से होकर फिर हम सीधा निकलेंगे टूवर्ड्स लीपा इंशाल्लाह 55 किलोमीटर के लिए। तो ये आपको हटियावाला का जो एंड पॉइंट था झेलम वैली का वो दिखाया, एंड नाउ ऑन द वे बैक। रोड की आपको अपडेट दे दें कि रोड जैसे कि आपने देखा मुजफ्फराबाद से लेकर चकोटी तक 55 किलोमीटर की जो पैच है इसमें किसी जगह पे भी बिल्कुल किसी किस्म की कोई ब्लॉकेट नहीं है, कोई लैंडस्लाइड नहीं है। जो लैंडस्लाइड एरिया वो टोटल प्रोटेक्टेड है, रोड वाइड है, साइड में ये जैसे रेलिंग आपको स्टील की नजर आ रही है, स्टील की रेलिंग लगी हुई है। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से, वो कच्चा पॉइंट है लेकिन वो भी खतरनाक नहीं है, बिल्कुल थोरोफेयर है और आप 60 की एवरेज स्पीड के साथ चल सकते हैं, मतलब 60 से ऊपर चलना भी ज्यादा है और 40 से 60 के दरमियान अगर आप चलते हैं तो दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। आपको 2 घंटे लगेंगे, हमें पूरे एग्जैक्ट 2 घंटे लगे हैं इस 55 किलोमीटर पे मुजफ्फराबाद से चल के चकोटी आने के लिए। तो आप समझ लें कि आपकी एवरेज जो स्पीड निकली है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 27 किलोमीटर के अराउंड जो है वो पर आर आप चले हैं, मतलब आप 40-60 के दरमियान चल रहे हैं। तो जब ब्रेक्स लगती हैं, स्पेशली वो जो दरमियान में हटियावाला आया उसने हमारे को 15 मिनट का जिक्र किए हैं, पीछे गड़ी दुपट्टा जहाँ जहाँ शहर है वहां पे आपका टाइम थोड़ा कंज्यूम होता है, लेकिन अगर आप चकोटी आ रहे हैं तो आप 2 घंटे का रास्ता जो है समझ गए और 2 घंटे के टाइम के हिसाब से आप आए। 2 घंटे अगर हमें इधर लगे हैं तो आप समझ लें 55 जो ऊपर वाला है वहां पे हमें 4 घंटे लगेंगे। सो दिस वॉज द अपडेट अबाउट द रोड। रोड इज सुपर नीट, सुपर क्लीन, आप इजिली किसी भी गाड़ी के अंदर आ सकते हैं। चकोटी से पहले एक जब आप मुजफ्फराबाद से आ रहे होते हैं कि आबशार आती है, ये भाईजन से इसका नाम पूछते हैं। भाईजन इसका क्या नाम है आबशार का? जस्कूल। ये है जनाब जस्कूल आबशार, ये देखिए जस्कूल पे ऊपर चलते हैं। कह रहे हैं कि फौजी साहब ने इस पे नहाना भी है तो ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं ताकि आगे जो हम इजीली जा सके। ये आ गया, वो गाड़ियां धोने वाले बैठे हैं अभी ऊपर जस्कूल पे चलते हैं, हमने ड्रोन भी चलाते हैं।